हेलो एवरीवन, मैं रेखा कुशवाहा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का कंटेंट आप लोगों को मेंशन हो रहा है राजनीतिक से संबंधित सामान्य ज्ञान, यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड संबंधित ज्ञान है। बट यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दूं मैं आप लोगों के सामने कि आज की जो वीडियो है वो है हमारे सोशल स्टडीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम सिर्फ पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन तीनों और ये हमारा पॉलिटी, इन चारों पोर्शन को कवर करेंगे। 10-10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएंगे एलटी ग्रेड का जो सोशल स्टडी का पेपर है उसके लिए। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था 27 सितंबर 1925 में, 27 सितंबर 1925, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय है नागपुर में, बिल्कुल करेक्ट आंसर, नागपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है, यानी कि किसने इसकी स्थापना की है? सो फर्स्ट ऑप्शन है मोहन भागवत, सेकंड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है मुरारी जी एंड लास्ट वन इज केशव बलिराम हेडगेवार। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा केशव बलिराम हेडगेवार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी का या पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना बतानी है हमें, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी हमारी 21 अक्टूबर 1951 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कमल, बिल्कुल करेक्ट आंसर कमल, बीजेपी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना, तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी हमारी 26 नवंबर 2012 में, 26 नवंबर 2012। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है? फर्स्ट बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अशोक कुमार सेकंड ऑप्शन है हंस राज खन्ना, थर्ड ऑप्शन है भीम राव रामजी अम्बेडकर एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज या अदर्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा भीम राव रामजी अम्बेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो वो है हमारी 25। देन है हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटक, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा महाराष्ट्र, सबसे संपत्ति वाला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? कितने प्रतिशत आबादी? तो यह है हमारा 58.9%, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना परसेंट कृषि उद्योग का योगदान है? राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो यह है हमारा 17.5% का, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 7वें नंबर पर है जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का कौन सा नंबर है, यानी कि भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा तीसरे स्थान पर है, थर्ड नंबर पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर, सो
कौन सा देश है ये बताना है, तो ये हमारा कतर, बिल्कुल करेक्ट आंसर कतर। सेवन क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI किस राज्य में है? भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक है हमारा केरल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये है हमारा भारत में, बिल्कुल करेक्ट आंसर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों जीविकोपार्जन मनोरंजन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है हमें, या तो फर्स्ट ए और बी होने चाहिए या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, तो क्या सही आंसर है इसका, तो सही आंसर है इसका हमारा जीविकोपार्जन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होती, तो यह हमारा मंद हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास मंद हो जाता है। सो अब है हमारा इतिहास से यानी कि हिस्ट्री से संबंधित सामान्य ज्ञान। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो कौन है वो, सो फर्स्ट ऑप्शन है बिंदुसार, सेकंड ऑप्शन है अशोक, थर्ड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एंड लास्ट वन इज अन्य, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य हुआ, यानी कि किस और किसके बीच में हुआ था ये बताना है, तराइन का प्रथम युद्ध, सो ये हुआ था हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था किसने, तो ये किया था हमारे मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शीद कुली खान। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, विधवा पुनर्विवाह कानून बना था हमारा 1856 ईस्वी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई, तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला, इंग्लैंड में गृह युद्ध चला हमारा 7 वर्ष तक, 7 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो ये आए थे हमारे केंद्रीय एशिया से, यानी कि केंद्रीय एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, किस अवधि में यानी कि कौन सा समय था वो, तो वो था हमारा आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट और हिस्ट्री पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त समाज की स्थापना की थी हमारी चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान की ओर, तो इसके 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर हमारे 40 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सोशल स्टडी के। सो फर्स्ट है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक बताना है तो इराटोस्थनीज को, सेकंड ऑप्शन है हेरोडोटस को, थर्ड ऑप्शन है हिप्पाकर्स को एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था इराटोस्थनीज को, इराटोस्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता, तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को, कार्ल रिटर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है हमारा एच एच बैरोज,
एचएस बैरोस, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता, तो ये माना जाता है हमारा पेशल को, पेशल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहा है हमारा वारेनियस ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर वारेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? सौरमंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत की है, उनका नाम बताना है, तो वो है हमारे कॉपरनिकस, कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड, तो ये कहलाते हैं हमारे ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा है? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा है ये बताना है, तो ये कहा है हमारा कांट ने, कांट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सो सौरमंडल में हमारे 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे 10-10 पोर्शन करके हमने चारों पार्ट्स को कवर करा है, जो हमारे सोशल स्टडी को बिल्कुल कंप्लीट करता है, ताकि आप लोगों का जो एलटी ग्रेड का सोशल स्टडी का जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। यहाँ से क्वेश्चंस लेंगे तो, और रोज हम एसएस की तैयारी करेंगे, डिफरेंट हमारे टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो ये क्विज आप लोगों के सामने थी ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेशन के अकॉर्डिंग रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। सो कीप वॉचिंग।